बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर है जी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड। देर आर टोटल 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड। हॉटस्पॉट्स बायोडाइवर्सिटी के जो होते हैं वो ऐसे एरियाज होते हैं जो बायोडाइवर्सिटी रिच होते हैं, इंडेमिक बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, बट दे आर अंडर थ्रेट्स टू ह्यूमन एक्टिविटीज। दे अंडर थ्रेट टू डिग्रेडेशन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। दीज आर दी वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड। आपको नज़र आ रहे हैं डिफरेंट एरियाज पे वर्ल्ड पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। कैलिफोर्निया, फ्लोरिस्टिक प्रोविंस, मेजो अमेरिका, कैरिबियन आइलैंड, ट्रॉपिकल एंडीज, गिनियन फॉरेस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका, मेडिटेरेनियन बेसिन, इंडो बर्मा, इसमें पाकिस्तान का भी थोड़ा एरिया आता है, माउंटेन साउथ, माउंटेन्स ऑफ साउथ ईस्ट चाइना, माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया, मेडागास्कर एंड इंडियन ओशन आइलैंड्स, कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका, एटलांटिक फॉरेस्ट। दे आर 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। This is our 8th lecture, Biodiversity and Conservation. First of all, biodiversity. Diversity meaning variety, and bio mean living. Meaning living variety, species variety. Biodiversity refers to the variety and variability among all groups of organisms and ecosystem complexes in which they occur. CVD defined biodiversity as variability among living organisms from all sources including intralia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystem and ecological complex of which they are the part of. Biodiversity hotspots are biogeographic region characterized both by exceptional levels of plant endemism and by serious levels of habitat loss. Plant endemism, endemic species, ऐसी species होती हैं जो एक मखसूस लोकेलिटी में पाई जाती हैं और उसके अलावा दे आर नॉट प्रेजेंट एट एनी अदर प्लेस इन द अर्थ। ऐसी स्पीशीज को इंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो होता है वो एरिया होता है जो वहाँ पर हाई एंडेमिज्म होता है। बायोजियोग्राफिक रीजन विद सिग्निफिकेंट रिजर्वायर ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट इज अंडर थ्रेट फ्रॉम बीइंग डिग्रेडेशन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। This is also the definition of biodiversity hotspots. Areas which exhibit high species richness as well as high endemism are termed hotspots of the biodiversity. Biodiversity hotspots, according to Conservation International (CI), a biodiversity hotspot has must fulfill the following two criteria. These two criteria must be fulfilled by the biodiversity hotspots. It must have at least 1500 species of endemic vascular plants. Endemic vascular plants 1500 species कम से कम होनी चाहिए, फिर ही हम उस एरिया को biodiversity hotspot का दर्जा दे सकते हैं। Endemism is the degree to which species are found only in a given place. It must have lost at least 70% of its original area. ये 70% इसका ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से या किसी भी तरीके से उसका लॉस हो गया हो, यानी अब इसको इस इन स्पीशीज को खतरा है कि जो दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। 35 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फार। एंडेमिक स्पीशीज बहुत सारी पाकिस्तान में भी पाई जाती हैं, दुनिया में भी पाई जाती हैं। इसकी कुछ मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि ब्लाइंड डॉल्फिन ऑफ इंडस रिवर, वो भी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। कैंगरू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, क्वाला सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बायोबाब ट्री है जो कि अफ्रीका के कुछ एरियाज में और मेडागास्कर में पाया जाता है, लीमर्स सिर्फ मेडागास्कर में पाए जाते हैं। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम एंडेमिक स्पीशीज का नाम देते हैं। दीज आर दी 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड। ट्रॉपिकल एंडीज, मेजो अमेरिका, कैरिबियन आइलैंड, अटलांटिक फॉरेस्ट, रेडो एंड सो मेनी, अबाउट 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड।
मेडगास्कर एंड द इंडियन ओशन आइलैंड्स, जहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं मेडगास्कर और इंडियन ओशन आइलैंड्स को डिस्कस करना चाहूँगा। वैसे तो कोई स्टूडेंट किसी एक बायोडिवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को डिस्कस कर सकता है, मैं जहाँ पे मेडगास्कर इंडियन ओशन आइलैंड्स की बात करना चाहूँगा। रीजन जहाँ पे मेडगास्कर एक बड़ा जज़ीरा है, पूरा मुल्क भी है, अफ्रीका के ईस्ट में पाया जाता है। इंडियन ओशन बहुत बड़ा है, इसके साथ छोटे छोटे जज़ायर हैं जिसमें सिसिली, इंक्लूडिंग एल्डाब्रा, द कोमोरोस, मॉरिशस इंक्लूडिंग पोर्टुगीज एंड द फ्रेंच ओवरसीज डिपार्टमेंट ऑफ रियूनियन। सिसिलीज, कोमोरोस, मेस्करीन आइलैंड इन द इंडियन ओशन हैव मैनी क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज। इन एरियाज पे बर्ड की काफ़ी इंडेमिक स्पीशीज पाई जाती हैं, इंडेंजर्ड भी हैं वो। सिसिलीज आर आल्सो होम टू द ओनली इंडेमिक फैमिली ऑफ एम्फीबियंस, द सोग्लोसिस एंड द एल्डाब्रा जियंट टर्टल्स। यूनिक बायोडाइवर्सिटी एंड एंडेमिज्म, फ्लोरा एंड फौना डाइवर्सिटी एक्सट्रीमली डाइवर्स एंड एंडेमिक, रिजल्टेड फ्रॉम टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ आइसोलेशन फ्रॉम द अफ्रीकन मेनलैंड एंड फ्रॉम पीपल हु डिड नॉट अराइव अंटिल 2000 ईयर्स अगो। यानी वो कहता है कि ये मेन अफ्रीकन जो है वो अर्थ से अलग हुआ तो तकरीबन 2000 साल पहले, जहाँ पर कोई जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन देखी गई, तब तक इसमें जो भी है वो सारी स्पीशीज जो थी वो अनडिस्टर्ब थी। एंडेमिज्म इज मार्क्ड नॉट ओनली एट द स्पीशीज लेवल बट आल्सो एट हायर टेक्सोनोमिक लेवल्स। 8 प्लांट, 4 बर्ड एंड 5 प्राइमेट फैमिलीज आर इंडेमिक। फैमिलीज नॉट स्पीशीज, फैमिली एक फैमिली के अंदर काफ़ी स्पीशीज। 70% ऑफ मेडगास्कर स्पीशीज आर इंडेमिक। अंदाजा करें आप, 70% मेडगास्कर की स्पीशीज एंडेमिक है, तभी तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि यहाँ पे एंडेमिज्म बहुत ज़्यादा पाया। मोर देन 13,000 स्पीशीज ऑफ वास्कुलर प्लांट्स, 90% एंडेमिक। 1500 स्पीशीज की शर्त थी कि वास्कुलर प्लांट्स में वहाँ पे स्पीशीज होनी चाहिए, किसी भी हॉर्स को जहाँ पे 13,000 स्पीशीज हैं वास्कुलर प्लांट, 90% इंडेमिक। एटलीस्ट 310 इंडेमिक जनरल ऑफ प्लांट्स, लोकल इंडेमिज्म इज हाई एज वेल। सम इंडिविजुअल माउंटेन्स हैव 150 टू 200 इंडेमिक प्लांट्स। मेडगास्कर नेचर इंडेमिक प्लांट ट्रेवलर्स ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्री। 6 out of 8 स्पीशीज ऑफ द बायोवाव और बॉटल ट्री फाउंड इन ड्रायर रीजन्स ऑफ द वेस्ट एंड साउथ मेडगास्कर। बॉटल शेप ट्रंक्स स्टोर रिजर्वायर्स ऑफ वाटर। बायोवाव ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बायोवाव ट्री आपको नजर आ रहे हैं, इस तरह के बहुत से मिलते जुलते इन ट्रीज के बने, इन ट्रीज के जो पिक्चराइज होते हैं वो काफ़ी तस्वीर आपको मिल जाती हैं, बिकॉज दे आर यूनिक। इसको सोना सोनिया ग्रैंडी डेरी ग्रैंडियस बायोवाफ इसको कहते हैं, बिकॉज ये सबसे बिगेस्ट होता है, सबसे बड़ा होता है। इज द बिगेस्ट एंड मोस्ट फेमस ऑफ मेडगास्कर 6 स्पीशीज। दिस इज द ट्रेवलर्स ट्री रेविनाला मेडगास्केरिनेंसिस, ये आपको नजर आ रहा है काफी इंडेमिक है। की स्पीशीज इन दी दिस हॉट स्पॉट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद अदर स्पीशीज। मेडगास्कर सिग्नेचर इंडेमिक प्लांट ट्रेवलर्स ट्री इज पोलिनेटेड बाय आयंस फ्लैगशिप वर्टिब्रेट स्पीशीज द लीमर्स। यानी इन ट्रीज को पोलिनेट करने वाला जो है वो एनिमल नॉक्टर्नल लीमर्स है, रात को निकलते हैं। रेनिडेयर्स बायोवाव द लार्जेस्ट बायोवाव स्पीशीज इज पोलिनेटेड बाय नॉक्टर्नल लीमर्स। इट इज द मोस्ट हैविली एक्सप्लॉयटेड ट्री विद द फ्रूट सीड्स वुड बार्क ऑल बीइंग कलेक्टेड एंड यूज्ड बाय लोकल पीपल फॉर मेकिंग रोप एंड मेडिसिन। यानी इतना ज़्यादा यूज होने की वजह से फ्रूट सीड्स वुड बार्क और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इसको थ्रेट है कि ये ख़त्म ना हो जाए। ग्रेट थ्रेट टू दिस ट्री कम्स फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इट्स हैबिटेट इन टू एग्रीकल्चर लैंड, बट
It is also threatened by fire, overgrazing, and bark production. Other legacy species are pollinated by fruit-eating bats. This is the lemur, spotted tail lemur. इसकी टेल जो थी वो स्पॉटेड टेल। वैसे तो ये मंकी जैसा नजर आ रहा है, लेकिन ये मंकी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। लीमर्स कीस्टोन स्पीशीज ऑफ मेडागास्कर। लीमर्स कीस्टोन स्पीशीज ऑफ दोस दैट हैव हाई लेवल इन द इकोसिस्टम, बिकॉज मैनी अदर स्पीशीज डिपेंडेंट अपॉन दिस स्पीशीज। दिस इज द कीस्टोन। जैसा कि हमने देखा, बायोवाव है, ट्रेवल ट्री है, वो पोलिनेशन के लिए इन पर डिपेंड करते हैं, और भी बहुत सारी जो है इन पर डिपेंड करेंगे, तो जिसकी वजह से इन स्पीशीज को क्या नाम दिया जाता है, कीस्टोन स्पीशीज। हु डिफाइंस विच प्लेस इज कंसिडर्ड अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। कौन जे डिफाइन करता है, कौन कोई ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है? साइंटिस्ट फ्रॉम दी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नेम कंजर्वेशन इंटरनेशनल सी आई। इन 1999 द ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द फर्स्ट एडिशन लिस्टिंग 25 हॉटस्पॉट्स विद अ फॉलो अप कंटेनिंग द करंट लिस्ट इन 2005। थैंक यू।